फिर से एक नया वीडियो में स्वागत। तो आज के वीडियो में देखने मतलब बजाज पल्सर है, देख पा रहे टैंक में लिखा है ये पल्सर है। तो ये BS4 नहीं है, BS6 का बाइक है। चलो फिर आप लोग को और भी प्रूफ देखना बहुत ही जरूरी है। देख पा रहे इस जगह पे आपको थर्मल सेंसर दिखाई दे रहा है, देख पा रहे इस जगह पे आपको कपलर दिखाई दे रहा है, थर्मल सेंसर का ये कपलर है। जस्ट आप लोग को ये जगह टोटल बॉडी है। तो देख पा रहे फ्रेंड इस जगह पे फ्रंट साइड में आपको ऑक्सीजन सेंसर दिखाई दे रहा है। चलिए और भी आप लोग को प्रूफ देखना बहुत ही जरूरी थे। चलिए मैंने अभी आप लोग को इंजन स्विच ऑन करने के बाद देखा था आपको इस जगह पर आपको चेक इंजन लाइट दिखाई दे रहा है। देख पा रहे फ्रेंड इस जगह पे चेक इंजन लाइट येलो कलर का दिखाई दे रहा है, जिसको माल फंक्शन लाइट बोलना पड़ता। फ्रेंड आप लोग को तो दिखा दिया इसका डिस्प्ले का ऊपर चेक इंजन लाइट और कंटिन्यू ऑन है, मतलब एक किधर भी बोलो सेंसर का प्रॉब्लम है। लेकिन सेंसर का जो प्रॉब्लम के वजह से है ना, जो इसका बैटरी या डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या ये बैटरी का डिस्चार्ज का प्रॉब्लम मेन इशू है, क्या ये दूसरा प्रॉब्लम है, क्या सेंसर का प्रॉब्लम है? देख पा रहे फ्रेंड इस जगह पर आपको सेल्फ का बटन मारने के बाद है ना, सेल्फ कभी कभी ले रहा है कभी कभी नहीं रहा है, मतलब इसका सेंसर का वजह से प्रॉब्लम आ चुका। क्या फ्रेंड सेंसर का वजह से ये प्रॉब्लम है, क्या फ्रेंड जस्ट और दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, ये जानना बहुत ही जरूरी है आप लोग को। इसलिए ये वाला वीडियो है ना आप लोग कंप्लीट देखा ना, आप लोग को 100% पता चल जाएगा इसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है। अभी भी देख सकता फ्रेंड इसका चेक इंजन लाइट कंटिन्यू ऑन है, मतलब ये बैटरी है ना 15 दिन पहले एक बार चेंज किया था। जस्ट अभी के लिए बोल रहा है मैकेनिक मेरे पास डायरेक्ट लेके आया, 2 घंटा पहले बैटरी लगाया, फिर भी इस तरीके से प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लगता है बैटरी डिस्चार्ज हो चुका, मतलब चार्ज नहीं है। लेकिन जो चार्जिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये चेक करना बहुत ही जरूरी रहता है। इनपुट चेक करने का, आउटपुट चेक करने का, उसके बाद में भी आप लोग को चाहिए तो आप लोग के पास एक बॉस टूल है क्या, OBD स्कैनर है, आप लोग किस तरीके से आप लोग को चेक करना चाहिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये किसका वजह से ये वाला फॉल्ट है, देख पा रहे इस जगह आपको न्यू वाला बैटरी दिखाई दे रहा है, इसका नट बोल्ट भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, मतलब ये ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। ए भाई मैकेनिक भाई, तो मैकेनिक भाई मेरे पास डायरेक्ट मेरे पास लेके आया, बोल रहा है इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग देखो थोड़ा। तो मैंने आप लोग को अभी ये वाला शेयर कर रहा, मैं आप लोग को पास भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ चेक नहीं किया। चलिए मैं डायरेक्ट आप लोग को मैं अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा है। चलिए सबसे पहले मैं इसको मल्टीमीटर होल्ड करके लेता, इसके बाद आप लोग को देखा था प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने के बाद बिल्कुल सही से इसका जो आउटपुट है ना, मतलब इसका जो मेन जो मैग्नेट कॉइल यहाँ से ही, तो मैग्नेट का इसका जो आयरन कॉइल के पास गया, आयरन कॉइल का बाद उसका आउटपुट है ना जो आया बैटरी को चार्जिंग के लिए, तो बैटरी की चार्जिंग प्रॉपर तरीके से कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही साथ देखना चाहिए ये जो BS6 का बाइक है किस जगह पे वायरिंग शॉर्ट है क्या नहीं, वो भी एक बार देखना बहुत जरूरी है। चले मल्टीमीटर होल्ड करके लेते मैंने, देख पा रहे ना आप लोग को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसका सीट ओपन करके लिया, उसके बाद ही मल्टीमीटर भी मैं अच्छे से होल्ड करके लिया, उसके बाद ही बैटरी कितना वोल्ट का है, ये बैटरी 12 वोल्ट का है। चले सबसे पहले अभी मैंने इस मल्टीमीटर को 20 वोल्ट का सेट करके लिया था, मैंने देख पा रहे मल्टीमीटर को सेट करके लिया, उसके बाद ही देखता प्रॉपर तरीके से मल्टीमीटर से अभी कितना अभी चार्जिंग दिखा रहा है। देख पा रहे हैं 12+ दिखा रहा है, 12.48 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब बैटरी का कंडीशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है इस तरीके से दिखाई दे रहा है सही है। लेकिन अभी जो RR इंड कॉइल है ना, वो बिल्कुल आउटपुट है ना जो चार्जिंग सिस्टम के लिए वो जो बैटरी के पास आना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए अभी सबसे पहले एक बार स्टार्ट करो, तो एक इस जगह पर लगाओ और लगाओ एक लगाओ भेज दो, देख पाए फ्रेंड इसका जो चार्जिंग सिस्टम है ना जो RR कॉइल वो तो आउटपुट है ना जो बैटरी के चार्ज करना चाहिए ना ये बिल्कुल सही से चार्ज कर रहा है। लेकिन इस जगह पे आप लोग देख सकता फ्रेंड इसका इंजन स्विच ऑन करने का बात ही है ना, इसका जो माल फंक्शन लाइट ऑन है ना, मतलब ये सेंसर का कहीं ना कहीं इसका एरर आ चुका, मतलब ये आपको एक बार रिफ्रेश करना चाहिए, एक कहाँ पे फॉल्ट है ये भी एक बार देखना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैंने अभी OBD स्कैनर से मैंने अभी इसको मैं अच्छे से कनेक्ट करके देखता फॉल्ट क्या है इसका अंदर। चलिए फ्रेंड मैंने इसका सबसे पहले OBD इसका अंदर कनेक्ट करता, मैंने कनेक्ट करने के बाद देखता इसका अंदर क्या ऐसा फॉल्ट है। चलिए ये कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस जगह पे कौन सा भी वायर का है ना वो फॉल्ट है क्या, इसका अंदर ECM का जो है ना वो एरर आ चुका, उसको रिप्लेस करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं इसको कपलर को ओपन करता, उसके बाद ही मैंने इसको मैं OBD कनेक्ट करता। चलिए वीडियो एंड तक बने रहे, इसका अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है।
देख पा रहे फ्रेंड, जो DLC कनेक्टर है ना, जो OBD कनेक्टर, मैं इसको ओपन करके लिया। इसके बाद ही आप लोग को पास अगर पोस्टल है ना, पोस्टल से आप लोग भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता, लेकिन मेरा पास तो सिर्फ अभी OBD टूल है। तो चलिए मैंने इसको मैं कनेक्ट करके ली था, लेकिन आप लोग को बता रहा है मैंने, आप लोग को पास अगर इस तरीके से अगर है ना, तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करता। चलिए मैंने आप लोग को देखा था इसका अंदर जो 4 आयर है ना, तो सबसे पहले जो एक जो जाए 12 का सप्लाई इसका अंदर आता है, इसमें स्विच ऑन करने के बाद वो किस जगह पे आता है, चलिए वो भी देखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इस जगह पे देख पा रहे फ्रेंड, जो हल्का सा व्हाइट प्लस ग्रीन कलर का वायर दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर आपको 12 का सप्लाई देखने के मिलता। और इस जगह पे जो ब्लैक प्लस येलो कलर का इसका अंदर है ना जो अर्थ है, और दोनों है ना ये कैन लॉक और कैन हाई का दूर काम करता है। कौन सा वाला है, ये येलो प्लस देख पा रहे ब्लू कलर का और ब्लू प्लस ग्रीन कलर का, ये दोनों है। चलो सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट करके लेता हूँ। उस देख पा रहे फ्रेंड, आप लोग को मैं अच्छे से देखने में कोशिश कर रहा हूँ। देख पा रहे OBD स्कैनर में अभी इसका जो रेड कलर का सिंबल दिखाई दे रहा है। आप लोग को मैं जिस जगह पर आप कनेक्शन करने के लिए बोला था ना, मैंने एक जो देख पा रहे फ्रेंड ब्लैक प्लस येलो कलर में कनेक्शन कर दिया मैंने एक, और दूसरा वाला है ना देख पा रहे हल्का सा व्हाइट प्लस ग्रीन कलर का साथ कनेक्शन कर दिया। तो इसका अंदर है ना अभी सप्लाई आ चुका। अभी ये जो दोनों आ रहा है ना वो कहाँ पे लगाया ना का, ये दोनों में लगाने का, लगाने का बाद ही इसको चालू हो जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले इसको अभी कनेक्ट करके लेता। मैंने देख पा रहे फाइनली मैंने OBD है ना इसका DLC कनेक्टर का साथ में कनेक्ट करके लिया। उसके बाद ही इग्निशन स्विच ऑन करने का बाद ही आप लोग को रेड कलर का सिंबल के साथ साथ आपका ग्रीन कलर का सिंबल भी दिखाई देगा। और आप लोग एक चीज़ ध्यान देने का, लेफ्ट साइड है ना इसका स्क्रीन का ऊपर आप लोग को दिखाई देगा। चलिए फाइनली मैंने आप लोग को अच्छे से देखने में कोशिश कर रहा हूँ। देख पा रहे इग्निशन स्विच जब भी ऑन करेगा ना तब भी दिखाई देगा। देखा अभी ऑन करके लिया, आप लोग अच्छे से देख सकता होगा, आप लोग को अच्छे से देखने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। देख पा रहे अभी स्टार्ट करने का बात ही है ना, अभी स्क्रीन का ऊपर देखा जाएगा। अभी देखो ब्लू कलर का सिंबल भी आ चुका। मैं स्टार्ट करने का बात ही देखो अभी देख पा रहा फैन, अच्छा से आप लोग को देखने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी देख पा रहा फैन लेफ्ट साइड में आप लोग को RPM में दिखाई दे रहा है। देख स्क्रीन का ऊपर अभी 1490 1415 इस तरह अप दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखा पा रहा होगा, तो इसका अंदर तो अभी बिल्कुल सही से चल रहा है। उसके बाद ही देख पा रहे फ्रेंड, चलो फ्रेंड आप लोग को अच्छे से देखने की कोशिश करें। अभी सबसे पहले क्या करना है, फॉल्ट कोड में प्रेस करने का। देख पा रहे हैं फॉल्ट कोड में जब भी प्रेस करेगा ना उसके बाद ही आप लोग को नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए, इस जगह पे देख पा रहे स्कैनर का देख पा रहे ये लिखा है, थोड़े से बात कर रहा हूं मैं। टैप हार्ड टू स्क्रीन फॉर फॉल्ट वार प्रेस मैनुअल फॉर मोड ऑप्शन, इस जगह पर प्रेस करना। देख पा रहे प्रेस करना, थोड़े से वेट करने का। उसके बाद ही देख पा रहे इस जगह P0107 पावर टेन का इशू देखा रहा है, मतलब ये मैनुफोल्ड का ऑब्सोलेट प्रेशर बर्मेड प्रेशर सर्किट लो इनपुट दिखा रहा है, मतलब कहाँ पे फॉल हो सकता है। चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल का साथ में दिखाने के लिए चलिए शुरू कर लेते। तो फैन आप लोग को मैं अच्छे से दिखा दिया जो इसका जो फॉल्ट है ना, जो P0107 जो आ रहा है था ना, मतलब पावर ट्रेन का इशू दिखा रहा है, मतलब मैनुफल एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब इसका जो एयर का जो है ना एयर सप्लाई प्रॉपर तरीके से अगर नहीं किया ना फिर भी इस तरीके से फॉल आएगा। उसके साथ एक बार एयर का लाइन है ना, मतलब इस जगह पर एयर फिल्टर है, एक एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर आपको एक बार क्लीन करना चाहिए। इसके साथ साथ इस जगह पे देख पा रहा फैन, ये जो है मैनिफोल्ड है, ठीक है, ये है मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड को बोलेगा तो ये आपका थ्रोटल बॉडी, थ्रोटल बॉडी से है ना, तो इसका जो एयर सप्लाई है ना प्रॉपर तरीके से करना चाहिए ना, वो थोड़ा सा भी अगर डाउन ऑफ होने से भी इस तरीके से प्रॉब्लम देखा दे सकता है सेंसर की वजह से। उसके साथ ही साथ आप लोग को है ना ये जो फॉल्ट है ना फटक से नहीं जाता है, इसका साथ पेट्रोल का लेवल भी थोड़ा कम दिखा रहा है। चलिए आप लोग को देखा था मैंने इस जगह पे देख पा रहे हैं फ्यूल लेवल भी थोड़ा कम है, लेकिन क्या कहना फ्यूल डालने के बाद में भी है ना, जब गाड़ी चलाने का ना 2-4 किलोमीटर चलाने के बाद चाहे तो ये स्विच ऑन ऑफ इस तरीके से करते रहने का वो ऑटोमेटिकली इसका जो है ना सिग्नल हट जाएगा। चलिए इससे पहले मैंने राइट हैंड साइड में जाने के बाद देखता है इसका एयर फिल्टर का कंडीशन क्या है, उसका लाइन भी क्लियर करना चाहिए। चलिए इसका मैं लाइन सबसे पहले क्लियर करता, चलिए इसको ओपन करके लेता मैंने। चलिए फ्रेंड मैं इसका एयर फिल्टर सबसे पहले ओपन करके देखता है ना, ये बिल्कुल एयर फिल्टर भी क्लीन है क्या नहीं। इसका जो एयर सप्लाई है ना मैं
आप लोग थोड़ा इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो रोड का पास में मैं काम कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले इसका जो एयर फिल्टर का साइड में ओपन करता है, उसके बाद देखिए प्रॉपर तरीके से क्लीन है क्या नहीं, वो क्लीन होना चाहिए। इसका जो एयर का सप्लाई है ना, बिल्कुल इसका जो ये है ना, इस जगह से होते है मैनिफोल्ड से होते है, जो इंजन का साथ जाना चाहिए ना, वो बिल्कुल सही से क्लीन जाना चाहिए। वो अगर नहीं जा पाएगा ना, इस तरीके से प्रॉब्लम दिखाई देगा आप लोग को। और भी एक चीज़ बोला मैंने, इसका जो फ्यूल है ना लेवल थोड़ा कम है, लेकिन फ्यूल लेवल से मेन प्रॉब्लम से क्या है, एयर प्रेशर जो लो है ना दिखा रहा है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और उसके बाद वन अप करना चाहिए। चलिए इसको ओपन करता मैंने, चलिए इसको ओपन करो। देख पा रहे फ्रेंड, इसका जो एयर फिल्टर है ना, तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फॉल्ट क्या है फ्रेंड? तो इसका एयर तो क्लियर जाना चाहिए ना, क्लियर जाना चाहिए। जो चलिए देखता मैंने, इसको ओपन करो, ओपन करो इसको साथ ही साथ जी। खींचो बाहर खींचो, अरे बाप रे, देख पा रहे फ्रेंड इसका हालात? देख सकते बाहर से तो लग रहा सही है, लेकिन अंदर का तरफ कितना ज़्यादा इसको देख पा रहे हैं, पूरा इसका गिल्ला हो चुका, मतलब इसका साथ साथ देखते ऑयल भी है फिर ना, ऑयल का बस है ना, तो पूरा इसका लाइन है ना पूरा ब्लॉक हो चुका है। इस जगह पे इसका ऑयल, इतना सारा ऑयल दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा इसका ऑयल देख पा रहे फैन? हाँ ये देखो ऑयल, देखो आप लोग को मैं लाइव प्रूफ दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस जगह पर कितना ज़्यादा ऑयल दिखाई दे रहा है, मतलब ये है ना, जो प्रॉपर तरीके से एयर का सप्लाई होना चाहिए ना, वो एयर सप्लाई नहीं कर पाया है, इसीलिए है ना फ्रेंड इस तरीके से प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। इसका जो मैंने ओबीडी इसका ना टूल से मैं रिफ्रेश करने के बाद में मैं फॉल्ट फटक से आ चुका, मतलब मेन जो है ना इसका एयर सप्लाई करना चाहिए ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका प्रॉब्लम आ चुका। चलिए फाइनली मैंने इसका तो आप लोग को मैं अच्छे से देखा दिया। अभी जैसे कि मैं एयर फिल्टर निकाल दिया मैंने, अभी अगर मैं इस तरीके से इंजन स्विच ऑन करेगा ना, फिर भी आप लोग को माल फंक्शन लाइट दिखाई देगा, जिसको चेक इंजन लाइट बोलना पड़ता। चले आप लोग को भी देखा था मैंने, लेकिन कब जाएगा फ्रेंड वो भी आप लोग को देखने में कोशिश कर रहा है। देख पा फ्रेंड अभी इंजन स्विच ऑन कर दिया मैंने, ऑन करने का बात ही है ना, इस जगह पे देख पा ना फ्यूल का लेवल भी आप लोग को कम दिखाई दे रहा है। इसको फ्यूल भी चाहिए तो ऊपर ढालने के बाद में मैं ना स्टार्ट जब करेगा ना, दो चार किलोमीटर चलाने के बाद इस तरीके से वन अप इस तरीके से करते रहेगा ना, वो बिल्कुल इसका जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगा। जैसे तो फ्रेंड आप लोग को अच्छे से मैं डिटेल का साथ में देखा दिया, तो आप लोग अभी क्या करने का, डायरेक्ट 3-4 किलोमीटर चलाने के बाद वो ऑटोमेटिकली ए वाला माल फंक्शन लाइट है ना वो हट जाएगा। तो आप लोग को मैं डिटेल का साथ ही देखा दिया। चलिए फ्रेंड मेरा वीडियो देख के अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला ना, जोर शोर लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर है ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।